बात करें फिर बात उसकी, तो इनमें प्रोटीन पाया जाता है। जो वायरस होता है, वायरस की जो सेल्स होती है उनमें कैसे पाया जाता है, प्रोटीन की उनमें जो है वो पाया जाता है। तो इस प्रकार हम ये देख रहे हैं कि ये सारे क्या है, जीवित जीवियों को ही लक्षण है, है कि नहीं। ये दूसरा है ये ताप तथा रासायनिक पदार्थों का भी इन पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। टेम्परेचर हो या फिर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, उस रिएक्शन का प्रभाव इन पर पड़ता है। ठीक है, यदि नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये जीवित पादप एनिमल बैक्टीरिया में रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ये जो जीवित प्लांट होते हैं, एनिमल सेल होती है, उनमें क्या करते हैं, रोगों को उत्पन्न करते हैं। ये तो हो गए इनके जीवित लक्षण। यदि हम इनमें गुणन एवं उत्परिवर्तन भी होता है, इनमें गुणन भी होता है मतलब, और ये आपने जैसे कई कोशिकाओं को भी बनाते हैं। ये हो गए इनके लिविंग प्रॉपर्टीज ऑफ वायरस, मतलब वायरस की जो जीवित लक्षण है वो ये पाए जाते हैं, मैंने जो पॉइंट्स बताए। अब दूसरा है इसको नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज ऑफ वायरस। नॉन लिविंग कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, क्यों हम इनको नॉन लिविंग क्यों बोलते हैं। ठीक है, लिविंग तो हमें पता चल गया कि भाई इनमें सेल और सेल निश्चित होती है, डीएनए और आरएनए पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन पाया जाता है, इनका जो है वो केमिकल रिएक्शन होती है, इसलिए ये लिविंग है। अब नॉन लिविंग क्यों है, तो नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज की जो वायरस की है वो इस प्रकार से भी भाई जो वायरस है एक तो क्रिस्टल फॉर्म में जो है वो हमें इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। जो वायरस होते हैं उनको हम क्रिस्टल फॉर्म में भी प्राप्त कर सकते हैं, और क्रिस्टल फॉर्म किसमें रहते हैं, अजीवित चीजों में। तो इस प्रकार से ये अजीवित हो गया।